गुड मॉर्निंग 8 स्टैंडर्ड. टुडे वी स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ कटिंग एज टेक्नोलॉजी लेसन नंबर 10. द टॉपिक इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग. बेटा क्लाउड कंप्यूटिंग एक हमें लार्ज स्टोरेज एरिया प्रोवाइड करता है. इसके लिए हमें किसी पर्सनली सॉफ्टवेयर या डिवाइस की ज़रूरत नहीं होती डाटा को होल्ड करने के लिए. जैसे स्काई में क्लाउड होते हैं तो वो सभी क्लाउड्स क्या होते हैं, बहुत सारा पानी अपने में अब्सॉर्ब करके रखे होते हैं ना, तो जब भी बारिश करते हैं सभी के लिए करते हैं. तो सेम टेक्नोलॉजी इज़ आल्सो यूज फॉर इन क्लाउड कंप्यूटिंग की. ये क्लाउड्स हमारे वर्चुअली क्लाउड्स हैं, वर्चुअली मेमोरी स्पेस है एक हमारे पास, जो लॉट्स ऑफ डाटा को क्या कर सकती है, होल्ड कर सकती है. तो यहाँ पर क्लाउड कंप्यूटिंग में ये एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है यूज़र्स को और सर्वर्स को कि वो हार्ड डिस्क के फॉर्म में मेमोरी ना रख के वर्चुअली फॉर्म में मेमोरी एक कनेक्टिविटी क्रिएट करवा दी है कि किसी कोई भी बंदा कहीं भी अपना क्लाउड में डाटा को सेव कर सकता है और लॉन्ग टाइम के लिए, और वहाँ से एक्सेस भी कर सकता है. इन कंप्यूटर क्लाउड्स इज जनरल टर्म यूज फॉर वेरियस सर्विसेज सच एज स्टोरेज एप्लीकेशन एंड सर्वर एंड सो ऑन ओवर द इंटरनेट. तो स्टोरेज के लिए भी हम, एप्लीकेशंस के लिए और सर्वर्स के लिए भी हम ये फैसिलिटी यूज़ करते हैं. क्लाउड कंप्यूटिंग, कंप्यूटिंग क्या होता है, जब हम कंप्यूटिंग मतलब किसी भी के साथ कुछ सेंड एंड रिसीव कर रहे हैं, दैट इज़ कंप्यूटिंग. तो क्लाउड पे के हेल्प से हम कंप्यूटिंग कर रहे हैं, दैट इज़ क्लाउड की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कहीं पर डाटा स्टोर कर सकते हैं, वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं डेटा को, डिफरेंट रिसोर्सेज उनको शेयर और अलग अलग रिसोर्सेज और उनकी सर्विसेज को बिना इंस्टॉल किए हम कंप्यूटर सिस्टम में उनको यूज़ कर सकते हैं. दैट इज़ डेटा और सर्विसेज कैन बी रिट्रीव डायरेक्टली फ्रॉम द क्लाउड. कहीं पर हमें सर्वर से अब लेने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट क्लाउड से सर्विसेज खुद सेव कर सकते हैं और वहाँ से रिसीव कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग द इंटरनेट. बस हमें किस चीज़ की फैसिलिटी होनी चाहिए, एक हमारे पास इंटरनेट की फैसिलिटी होनी चाहिए या फिर कोई वेब बेस्ड एप्लीकेशन होनी चाहिए. द फॉलोइंग आर सम बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग. तो क्लाउड कंप्यूटिंग की जो वेब एप्लीकेशन है वो मोस्टली हमारे मोबाइल्स में आजकल होती है, जैसे गूगल ड्राइव हो गया, ड्रॉप बॉक्स हो गया, वन ड्राइव हो गया. ये तीनों ऑलमोस्ट सैमसंग वीवो वगैरह के फ़ोन में ये सभी फैसिलिटीज़ मिलती हैं अगर आप ध्यान से देखेंगे तो. तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. ये एक सेंट्रलाइज स्टोरेज एरिया और प्रोसेसिंग एरिया प्रोवाइड करता है, ह्यूज डाटा को स्टोर करके रख सकता है. इट ब्रिंग्स डाउन द कॉस्ट थ्रू रिडक्शन. अगर ये इसके लिए कोई इक्विपमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदने की ज़रूरत नहीं है तो इट मीन्स कि हमारी लॉट्स ऑफ कॉस्ट को क्या करता है, रिड्यूस करता है. ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल है काम करने में एंड इट इज़ आल्सो ए रियल टाइम कोलैबोरेशन. रियल टाइम होता है जो सेम टाइम पे हम का एक्शन परफॉर्म करते हैं. क्लाउड कंप्यूटिंग अलोज द यूज़र टू क्रिएट. ये क्लाउड कंप्यूटर हमें कौन सी फैसिलिटी देता है कि हम कोई भी डाटा क्लाउड कंप्यूटर में क्रिएट बना सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं. एंड जो बाद में आप कहीं भी एक्सेस, व्यूज और एडिट या शेयर कर सकते हो किसी के साथ भी. सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म्स आर गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स एंड वन ड्राइव. एंड लास्ट टॉपिक ऑफ हियर चैप्टर इज बिग डाटा. बिग डाटा रेफर टू ए मैसिव अमाउंट ऑफ कॉम्प्लेक्स डाटा. तो जिसका नाम ही बिग डाटा है तो वो लार्ज अमाउंट में डाटा को क्या करता है, स्टोर करता है. ये डाटा किसी भी स्ट्रक्चर में भी हो सकता है और अनस्ट्रक्चर फॉर्म में भी हो सकता है. डैट कीप्स ऑन ग्रोइंग विद टाइम. देयरफॉर इट कैन नॉट बी प्रोसेस यूजिंग ट्रेडिशनल एप्लीकेशन और टूल्स. तो इसके लिए हमें कोई ट्रेडिशनल एप्लीकेशन, पुरानी एप्लीकेशन या टूल्स की जरूरत नहीं है. एज पर द स्टडी अराउंड 4.4 trillion GB ऑफ डाटा विल बी जनरेटेड बाय द ईयर 2020 थ्रू द इंटरनेट ऑफ थिंग्स. तो IoT के थ्रू हमने 2020 में कितना डाटा जनरेट किया, 4.4 trillion GB. तो इट इज़, दिस इज़ नॉट डाउट डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड इजिली. उसको मैनेज करके संभाल के रखना ईजी नहीं है. हैंस विदाउट द डेटा IoT डिवाइस वुड बिकम नॉन फंक्शनल. तो बिना IoT के ये डाटा जो है नॉन फंक्शनल हो सकता है. दिस इज़ वेयर बिग डाटा इन IoT कम्स इन टू द पिक्चर. ये बिग डाटा की पिक्चर्स है. बिग डाटा को हम एनालाइज कर सकते हैं एज अमर्जिंग एज अ की टू. जैसे आपने हॉलीवुड मूवीज़ देखी होंगी जहाँ पर हम अपने डाटा को क्या करते हैं, ओपनली रखते हैं, किसी भी सिस्टम को उसके साथ कनेक्ट करवा सकते हैं, विच इज़ टर्न हेल्प्स टू टेक बेटर डिसीजन, ताकि हम ज़्यादा डिसीजन अच्छा ले सकें. द रोल ऑफ, आपने हॉलीवुड काफ़ी
कॉप्स की मूवी ऐसे देखी होंगी तो जिसमें इस तरह की टेक्नोलॉजी को बताते हैं, वो बिग डेटा की ही टेक्नोलॉजी होती है। द रोल ऑफ बिग डेटा इन IoT इज़ टू प्रोसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा ऑन ए रियल टाइम बेसिस एंड स्टोर इट यूजिंग डिफरेंट स्टोरेज टेक्नोलॉजी। तो बिग डेटा क्या है बेटा, जो हम टेक्नोलॉजी को ज़्यादा डाटा को होल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं और रियल टाइम के लिए यूज़ करते हैं, दैट टेक्नोलॉजी इज़ यूज फॉर बिग डेटा। बिग डेटा कंपनी इंटेंड टू हैंडल द इमेंस अमाउंट ऑफ डेटा इज़ अ हाईली सिक्योर मैनर। तो आप इसको सिक्योर कर सकते हो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।